हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वायर एफ अड्डा। कैसे आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ, अगर अभी तक आपने ज्वायर एफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। प्री क्लासेस के पीडीएफ, यानी कि जो भी क्लासेस हमारी फ्री में कंडक्ट होती है उसका स्टडी मटेरियल आपको फ्री में ही उपलब्ध होता है इस एप्लीकेशन पर। फ्री टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करे जाते हैं, काउंसलिंग सेशंस हर 14 दिन में यहाँ पर लिए जाते हैं और क्विजेज आपके लिए यहाँ पर कंडक्ट होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनरोल कैसे करना है इस बैच में। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यूजीसी नेट की कैटेगरी पर क्लिक करना है, और साथ ही साथ अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इनरोल नाउ पे क्लिक करके फाइनल पेमेंट जो है आपकी कोर्स की, आप उसको पे करके पेड मेंबर बन सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए ह्यूमैनिटीज चैनल को, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस इस चैनल पर होती है। सो अगेन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कोर्स के लिए, सब्जेक्ट डिसिप्लिन के लिए बहुत बढ़िया बात है। आप लोग हफ्ते में 3 दिन क्लासेस ह्यूमैनिटीज चैनल पर भी देख सकते हैं। सिर्फ सिलेबस ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा स्लॉट स्केड्यूल आपके सामने है। 8 PM मंडे, ट्यूजडे, वेनेसडे जेआरएफ अड्डा मेन चैनल, और 8 PM ही यानी कि 8 बजे ही थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हफ्ते के लास्ट दिनों में यूजीसी नेट जो है हमारा ह्यूमैनिटीज चैनल पर हमारे ये सेशन कंडक्ट होते हैं। इसी के साथ स्पेशल सेशन ये है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगस्त 2024 यूजीसी नेट की। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द कैटेगरीज, ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज मैंने इंक्लूड करी है। पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ निकालना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें बहुत सारी अपने आप ही कैटेगरीज होती है, जैसे कि विजुअली इम्पेयरमेंट, और या फिर अगर मैं बात करूँ लोकोमोटर वाला जो होता है, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है वो निकालना। और उसमें भी उनकी कैटेगरीज जो है वो UR और EWS की तरह डिवाइडेड होती है, तो वो ऑब्वियसली ह्यूमन टेंडेंसी के बाहर है थोड़ा मेरे लिए। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द कैटेगरी जिनकी मुझे डिमांड्स काफी हद तक आ रही थी उसको मैंने इवैल्यूएट करके आपके सामने लेकर आई हूँ। अगेन, ये यूजीसी नेट की कट ऑफ जो है ये 298 में से निकलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कट ऑफ जो है अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है, यानी कि इसमें +2 और -2 भी हो सकता है लमसम हर एक कैटेगरी। ठीक है, चलिए जेआरएफ कैटेगरी कैटेगरी 1 की बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी की। तो लगभग 204 से 210 का आपका कट ऑफ जो है रहेगा इसका। अगेन बता दूं, +2 और -2 इसमें हो सकता है। सिमिलरली नेट की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 184 से 190 का कट ऑफ हो सकता है। अगेन +2 और -2 का मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर। अगेन एक बात बता दूं, जेआरएफ से लेकर नेट की कट ऑफ में बहुत ज्यादा गैप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग जनरली जितनी भी कैटेगरीज हैं, जो भी आपके जो है कैटेगरीज होती है, तो जेआरएफ वालों को 1% की सीट देते हैं, बाकी सभी को रेस्ट ऑफ द सीट्स मिलती है। तो इसलिए कट ऑफ जो है नेट की थोड़ी अक्सर कम जाती है एज कम्पेयर टू जेआरएफ। अगर मैं बात करूँ पीएचडी कैटेगरी की, जो इस साल न्यूली लॉन्च हुई है, तो इस कैटेगरी को लेकर 176 से लेकर 182 तक अप्रोक्सीमेटली इसकी कट ऑफ रहेगी। एक बात बता दूं, देखो कट ऑफ इसकी जो है ना, इसको मैं लेकर थोड़ा डाइसी हूँ, क्योंकि ये कैटेगरी मेरे लिए भी न्यू है ना, तो इसको लेकर मैं थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, हो जाऊंगी। इसलिए बता दूं कि ये कट ऑफ ज्यादातर नेट कैटेगरी के आसपास ही मंडराएगी। ये कट ऑफ पीएचडी वाली जो है ज्यादातर नेट कैटेगरी के आसपास ही मंडराएगी, तो अप्रोक्सीमेटली +2 या -2 इसमें भी हो सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, 198 से 102 आपका कट ऑफ रहेगा, इसमें +2 -2 सबका मार्जिन लेके चलना है। 174 से लेकर 180 आपकी नेट की कैटेगरी की कट ऑफ बन सकती है। 166 से 172 पीएचडी कैटेगरी जो है आपकी वो कट ऑफ बन सकती है ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं, 196 से लेकर 200 आपका कट ऑफ रहेगा, इसमें भी आप +2 -2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 168 से लेकर 170 आपका नेट का कट ऑफ, 172 आपका नेट का कट ऑफ रहेगा। 158 से लेकर 166 आपका पीएचडी का कट ऑफ रहेगा। लेकिन मैं फिर से बोलती हूँ, ये और जो नेट कैटेगरी है उसका कट ऑफ लमसम आमने सामने या फिर आसपास रहेगा। मैंने ये कट ऑफ तो बनाया है, लेकिन मैं खुद इसको लेकर थोड़ा सा डाइसी हूँ पीएचडी वाले कैटेगरी को लेकर, क्योंकि अभी पहली बार ये लॉन्च होने जा रहा है, पहली बार कट ऑफ निकलेंगे इसके अंदर। तो जो मेरे को लग रहा है, देखो ये कट ऑफ मैंने थोड़ा सा मार्जिन देके बनाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नेट के लमसम आसपास ही बनेगी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका दिमाग क्या कहता है ना। 158 से लेकर जो है 166 आपका पीएचडी कैटेगरी के लिए रहेगा, यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी है।
इसके बाद एससी की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी के लिए 186 से लेकर 190 आपका कट ऑफ रह सकता है, प्लस टू और माइनस टू भी हो सकता है, यानी कि ये कट ऑफ 188 भी जा सकती है और 184 भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके का मार्जिन आपको लेके चलना है जेआरएफ के लिए। 158 से लेकर 162 आपका नेट कैटेगरी का स्कोर होगा और 148 से लेकर 156 आपकी पीएचडी कैटेगरी का स्कोर होगा अप्रोक्सीमेटली। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, ये कैटेगरी भी 180 से लेकर 186 जेआरएफ के लिए बिल्कुल सक्षम है और प्लस टू माइनस टू आप यहां पर भी मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 154 से लेकर 160 नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा यहां पर, और पीएचडी कैटेगरी में 142 से लेकर 150 आपका पीएचडी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये सारा अप्रोक्सीमेट चार्ट है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए काउंट किया जा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। 298 में से कट ऑफ इसलिए बन रही है क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है जिसके प्लस टू नंबर सभी को मिलेंगे, ठीक है, जिसके प्लस टू मार्क्स सभी को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो जो होना था वो हो गया है, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके सामने उनका स्कोर है, थोड़ी कम बत्ती भी रह गई है यानी थोड़ी कसर रह गई है, तो 20% डिस्काउंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज पर चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह बेटा, अपकमिंग ट्यूजडे से मैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने जा रही हूँ, यानी कि यूनिट नंबर 6 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरू करने जा रही हूँ। अगर आप बेसिक से मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो दिसंबर 2024 का कोर्स हो चाहे वो जून 2025 का कोर्स हो, बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। जून वाले बच्चे भी अभी से तैयारी करेंगे तो आप लोगों के लिए बढ़िया 8 मंथ्स का कोर्स रेडी है, आप लोग इसमें एनरोल हो जाइए और आप लोगों के लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। 20% डिस्काउंट मिल रहा है, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है जेआरएफ अड्डा टीम से। इससे ज्यादा अगर सोचो कि 25% आ जाए, 50% आ जाए, 30% आ जाए, कभी नहीं आता है। तो ट्यूजडे यूनिट 6 शुरू होने जा रही है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, काफी बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स आपके सामने है, पेपर 1 और पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर लेते हैं, बोथ पेपर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन एनालिसिस मिल जाता है, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, ये सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 ही आप ले, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना स्कोर बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में कि आपने कितना स्कोर किया है और क्या आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं। फ्री सेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 8 PM कंडक्ट होते हैं जेआरएफ अड्डा चैनल पर। ऑल्सो टेलीग्राम लिंक आपको ये मिल रहा है आपके सामने ही, आप कोई भी PDF एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड करके देखिए, आपको ये PDFs मिल जाएंगी। उसमें केवल लास्ट पेज में जाकर टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर देना है, आप सीधा ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम लिंक से, ठीक है। यानी कि टेलीग्राम पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन, वेकेंसीज, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, आई होप आप सभी का जेआरएफ जल्द से जल्द क्वालिफाई हो एंड ये रिजल्ट्स, ये कट ऑफ्स आपकी कट ऑफ्स के साथ मैच हो रही हो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।